3-3.25 के आसपास, मैं 3 के बाद ही कह रहा हूँ, उसके पहले मत खोलना, उसके पहले ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है अगर गिरना होता है तो 3 बजे के बाद थोड़ा डिप आता है, तो 3 बजे के बाद खोल लो डेली। अगर डिप है 1% 2% गिरा हुआ है तो उस दिन पैसा डालो, 1-2% अगर नहीं गिरा है तो उस दिन मत डालो, छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लिटिल बिट एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप हो, एक्टिव रह सकते हो, 5-10 मिनट थोड़ा रोज का निकाल सकते हो, तो ETF में आइए, ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है अगर 5-10 मिनट रोज का निकाल सकते हो तो। वो नहीं निकाल सकते तो आपको निश्चित इसी में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए, ETF में मत जाइए। अब सवाल आएगा आपका कि भैया ETF ठीक है, कुछ बढ़िया ETF के नाम बताओ। तो मैं कुछ नाम तो बता देता हूं, इसको मेरा रिकमेंडेशन मत दीजिएगा कि भैया ये पैरामीटर इसके बेस्ट है, मुझे ठीक लगा कुछ पैरामीटर के बेस पे, वो पैरामीटर भी बता देता हूं, आप अपनी मर्जी देख लेना, आपको अगर कुछ और कोई और अच्छा लग रहा है तो उसमें कीजिए। कभी किसी से पूछ कर किसी ने बोल दिया इस जगह इन्वेस्ट कर दो वहां कर देना, बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि मैं जिस सोच से बता रहा हूं हो सकता है वो सोच आपकी ना हो, मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी ना हो, तो कभी भी दूसरे का बताया हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन किस पैरामीटर अगर मैं बता रहा हूं तो उस पैरामीटर को सुनकर आप सीख सकते हो कि मैंने क्या क्या पैरामीटर लिए। अब उसके बाद मैं आपको जरा ये बता देता हूं कि भैया कहां गया, कि कोई भी 3 बेस्ट ETF तो ही बताऊंगा, लेकिन 3 बेस्ट ETF चुनने से पहले या कोई भी बेस्ट ETF चुनने से पहले क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। एक स्लाइड मिसिंग हो गया लग रहा है, चलो कोई नहीं, मैं आपको नोट में ही बता देता हूं। हाँ आ तो गया, ये रहा। सबसे पहले देखना हाई वॉल्यूम होना चाहिए उस ETF में, ATM कहता हूं, ETF में क्या होता है ये? कोई भी ETF आप चुन रहे हो तो उसमें ये देखो खरीदने बेचने वालों की संख्या है कि नहीं है। मान लो ऐसे किसी मार्केट में आप चले गए अपना माल लेकर के जिस मार्केट में कोई खरीदारी नहीं है, माल बिकेगा आपका? तो इसीलिए ऐसे मार्केट में जाओ जहां खरीदार हो, या आप अगर खरीदने गए हो तो बेचने वाला हो। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी या इसको कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा हुआ आता है। मैं कहता हूं कोई भी ETF चुनना 20,000 से ज्यादा उसमें वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। अगर कोई 20,000 का कम का वॉल्यूम है, मैं आपको पूरे ETF की लिस्ट भी दिखाने वाला हूं, अभी पूरे स्टॉक मार्केट में कितने ETF हैं वो सब दिखाने वाला हूं, 100 से ज्यादा है, और कई सारे ऐसे हैं जो वॉल्यूम एकदम कम है, उधर नहीं फंसने का दिखाऊंगा अभी। तो वॉल्यूम 20,000 से ऊपर होना चाहिए कोई भी ETF चुनो, तो पहला क्राइटेरिया, ताकि कल को बेचने का मन हो तो कोई खरीदने वाला तो हो, ऐसा ना मुझे वेट करना पड़े, तुरंत बिक जाए मेरा वैसा। उसके बाद होता है लो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, ये भी देख लेना। नॉर्मली 0.05 या उससे नीचे, या मैं कहूं 0.07 या उससे नीचे हो तो अच्छा है, सस्ता है, उससे ऊपर फिर थोड़ा महंगा हो जाता है वो, ठीक है। लार्ज AUM होना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा, कितना फंड इस ETF के पास है जो ये कंपनी मैनेज कर रही है, ये भी अच्छा खासा नंबर होना चाहिए। किसी के पास 2,000 करोड़, 1,000 करोड़ या ये भी बड़ा ही नंबर मैंने बोल दिया, उससे छोटा नंबर है नहीं जाने का, अभी दिखाऊंगा और आपको स्क्रीन पर भी अभी दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप अपने ब्रोकर ऐप में कैसे देख सकते हो, कोई भी ब्रोकर ऐप में। उसके बाद होल्डिंग कंपनी जरूर देखना, किस किस कंपनीज में पैसा आपका जाने वाला है ये दिखता है, वो जरूर देखना, ठीक है। कोई भी ETF चुनने से पहले ये पैरामीटर जरूर चेक कीजिएगा। अब आते हैं कौन से 3 ETF की हम बात करने वाले हैं। पहला ETF है CPSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, साफ साफ समझ में आ रहा है सरकारी कंपनियां, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां इसके अंदर आती है। और आपको पता है कि पिछले कई सालों में मोदी जी ने तो कमाल कर ही दिया है। अब कुछ लोग आए कहेंगे अरे मोदी के फेवर में हो तुम, बात सच है, सच है, मोदी जी जब से आए हैं भैया सरकारी कंपनियों की ग्रोथ तड़तड़ा गई है, और बड़ी बड़ी कंपनियों का आप देखोगे तो ग्रोथ तो अल्टीमेट दिया है, इतना दिया है कि प्राइवेट कंपनियां कहीं उसके आसपास भी नहीं है। और ये CPSE ETF ने इसका डेटा है सर 1 साल के अंदर 120%, 5 साल का डेटा है लगभग 200% से ज्यादा, यानी कि 5 साल में आपका पैसा 4 गुना से ऊपर करके दिया है इसने। कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है? सरकारी कंपनियां सारी की सारी। अच्छा जहां सरकारी कंपनियां वहां कर्जी आ जाती है, भरोसा, देश की सरकारी कंपनियां कहां जाएगी भैया, बंद होने के भाग जाएगी, कुछ उसे प्रोबेबिलिटी नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। तो सरकारी कंपनियां वैसे भी हमारा ज्यादा भरोसा होता है। तो CPSE की खासियत यह है कि सारी बड़ी बड़ी लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं इसके अंदर,
और रिटर्न भी पास्ट रिटर्न हम जब देखते हैं, पिछले एक साल का तगड़ा रिटर्न है 120%, जहां एक साल का रिटर्न आप एफडी में 6-7%, 8%, 9% देखते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में 20%, 25%, 30% देखते हैं या 40% देख लेते हैं, इसको अच्छा स्मॉल कैप है तो, सर एक साल में ही इसने 120% निकाल के दिया है। हालांकि एक बात ये जरूर समझ लीजिए कि 120% पिछले साल अगर निकाल के दिया है या एक साल में निकाल के दिया है तो जरूरी नहीं है कि अगला साल भी ऐसा हो। अगर ऐसा होता तो 5 साल में 231% नहीं होता, 5 साल में 600% हो जाता, नहीं ऐसा नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन समझने के लिए अच्छा रिटर्न एक साल में निकाल के दिया है, 5 साल का रिटर्न भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसमें 68 लाख वॉल्यूम है। मैंने क्या बोला था, कितना था वॉल्यूम, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, भूल गए इतनी जल्दी, 20,000 से ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए और यहाँ तो 68 लाख है, मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। एयूएम 39,000 करोड़ का एयूएम है, मतलब 39,000 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं, इतना फंड इनके पास है, ये भी बड़ा नंबर है। एक्सपेंस रेशियो 0.05, मतलब बहुत बढ़िया है भैया। होल्डिंग कंपनीज अभी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर आती हैं, कौन कौन सी वो बड़ी सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सब पैरामीटर जब मुझे मैंने देखा तो मुझे लगा ये अच्छा ETF है, इसलिए मैंने इस पर बात करी। अगला ETF है, किधर गया, जूनियर बीज। ये जूनियर बीज का मतलब सीनियर बीज, जूनियर बीज, क्या सीनियर बीज तो नहीं है, जूनियर बीज है। जूनियर बीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये निपॉन इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा बनाया हुआ है और यहां देखना क्या लिखा है, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यानी कि निफ्टी की जब हम बात करते हैं, निफ्टी इसमें भैया 50 कंपनियां हैं, S1, S2, S3 टॉप की 50 कंपनियां, टॉप की भारत के स्टॉक मार्केट की टॉप की कंपनियां। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की जब बात कर रहे हैं, इसके बाहर जो 50 कंपनियां हैं, मतलब इस रेस में ठीक पीछे, जब इनका परफॉर्मेंस खराब होगा तो इनमें से निकल के कोई इसमें जाएगा, इन 50ों में से निकल के कोई इसमें जाएगा। यानी कि ये जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके पीछे जो कतार में है, जो सबसे बड़ी बनने वाली हैं, जो उसके लिस्ट में आने वाली हैं, तो एक चीज समझिएगा, उनका परफॉर्मेंस अगर तेज नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, ज्यादा रिटर्न देने वाला नहीं होगा, तो वो कभी इस लिस्ट में आएंगी नहीं। तो इनको परफॉर्म करना इनकी मजबूरी है इस लिस्ट में आने के लिए, और पिछला डेटा भी अगर आप देखें तो इन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेरेटिवली इनके, है ना। तो ये जो कंपनियां हैं, जो 50 कंपनियां इसके बाद की इस ETF में है, तो इस ETF में कौन सा कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियों के बाद की जो 50 कंपनियां हैं वो है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मींस आफ्टर टॉप कंपनीज नेक्स्ट 50। इसको आप ऐसे समझो कि कोई आदमी अभी, या छोटी कंपनियों में अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि छोटी कंपनियां उसमें पैसा डालें कि उनके बड़े होने के चांसेस ज्यादा हैं, बड़ी जो है, अब रिलायंस है तो रिलायंस तो हाथी की चाल से चलेगी ना, लेकिन छोटी कंपनियां हैं तो वो ज्यादा तेज चल के ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, तो आदमी छोटी कंपनियों में जाता है। इसको आप इस तरीके से लग सकते हो, ये बहुत छोटी कंपनियां नहीं है, ये है बहुत बड़ी कंपनियां लेकिन इनसे छोटी है, और इस लिस्ट में आने के लिए इनको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, तभी ये लिस्ट में आएंगे, ठीक। निफ्टी नेक्स्ट 50 50 कंपनियों के बाद वाली कंपनी, निफ्टी 50 कंपनी को इसने आउट परफॉर्म किया है, मतलब उनसे ज्यादा रिटर्न दिया है पास्ट में। एक साल का रिटर्न जब मैंने देखा तो 66% का है, 5 साल का रिटर्न मैंने देखा तो 156% है। मेरा बेसिकली कंडीशन ये था कि जब मैं 3 ETF चुन रहा था तो मुझे ऐसा ETF भी चाहिए था जिसने 5 साल में कम से कम लोगों का पैसा डबल तो किया ही किया है, तो 156% मतलब डबल से भी ज्यादा 5 साल में ही करके दे दिया है। एक साल का रिटर्न 66, 5 साल का 156। वॉल्यूम मैंने कितना बोला था फिर से बताओ, 20,000 से ज्यादा, यहाँ कितना है 2.2 लाख, मतलब अच्छा नंबर है। AUM 4,000 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.17, थोड़ा ज्यादा है पिछले वाले से लेकिन चलो ठीक है। होल्डिंग कंपनी अभी दिखाता हूं, ठीक है। जूनियर बीज समझ में आता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर, कुछ पूछना है, पक्की बात, आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला, ये बाय कर सकते हैं ऐप से, आपके पास जो भी ब्रोकर ऐप है, एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और एंजल वन का स्क्रीन भी खोल के आपको दिखा दूंगा, एंजल वन पे कहां क्लिक करेंगे जो कि ये आ जाएगा, ठीक है, अभी दिखा दूंगा। तीसरा है ऑटो बीज ऐप, ये ऑटो बीज ऐप फंड अगेन निपॉन इंडिया नाम की कंपनी है, उसका बनाया हुआ फंड है ये। ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, अरे ऑटोमेटिक नहीं, ऑटो का मतलब
अरे गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां है इसके अंदर, ठीक है। अभी खोल के दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनियां है, ऐप में दिखाऊंगा। एक साल का रिटर्न जब इसने देखा मैं 69% है, पांच साल का रिटर्न छोड़ा वो क्यों है, शायद मैं मिस करके बनाते वक्त, लेकिन इसका भी 150% के आसपास है जहां तक मुझे याद है। पांच साल में इसने भी डबल से ज्यादा रिटर्न दिया है। वॉल्यूम कितना बोला मैंने, कितना होना चाहिए, 20,000 से ऊपर, लगभग 2 लाख है, अच्छा है। एईएम 140 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.22 है, ये भी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ठीक है चलेगा। होल्डिंग कंपनीज कौन कौन सी है भी दिखाता हूँ, एक बोनस ETF भी दे दूँ, चौथा भी दो दे देता हूँ, एक तो इस लिस्ट में है, दूसरा मैं अपनी मर्जी से वैसे बताता हूँ। मॉन 100 ETF, अजीब सा नहीं लग रहा, मौन, योगा करो बैठ के, मौन मेडिटेशन, ऐसा नहीं है, मौन का मतलब मोतीलाल ओसवाल का शॉर्ट फॉर्म है। ये फंड बनाया है मोतीलाल ओसवाल ने। ये फंड क्या करता है, नैसडेक को ट्रैक करता है। नैसडेक क्या है, जैसे अपने भारत का एक्सचेंज है ना NSE BSE, ऐसे ही अमेरिका का एक्सचेंज है नैसडेक, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस होता है। इसका जब आपने रिटर्न देखा, देखो नैसडेक लिखा भी है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, एक साल में इसने 31% रिटर्न दिया है, पांच साल में इसने 200% रिटर्न दिया है। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, इसमें मत करो, मैं थोड़ा देशभक्त टाइप का आदमी हूं, तो अपने देश में इन्वेस्ट करो ना, आपका पैसा उधर, हालांकि ETF ये अपने देश की कंपनी गई है, आपका पैसा बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है आपका पैसा बाहर जा रहा है, ये इस कंपनी मोतीलाल ओसवाल में जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल इंडिया की कंपनी है, पैसा इंडिया में ही है, लेकिन मैं थोड़ा विदेश से दूर रहना चाहता हूँ, छोड़ा यार हटाओ, कमी थोड़ी है। एक साल का रिटर्न 31%, दो साल का रिटर्न 200%, वॉल्यूम कितना, कितना होना चाहिए, 20,000 से ऊपर, 3 लाख से ऊपर है, 7,000 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.58, होल्डिंग कंपनी, इसमें कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है क्योंकि ये एक्सचेंज को ट्रैक कर रहा है। हाँ इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, नहीं रिस्क ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो पर रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है, विदेशी चीज को ट्रैक कर रहा है तो इस वजह से शायद हो कुछ। अच्छा, ऑल एक्टिव ETF आप देख सकते हो इस लिंक पर, अभी खोल के दिखाता हूं, लेकिन एक और ETF बता देता हूं उससे पहले, ये तो ऑल टाइम वाला ETF है, आपको कुछ ना समझ आए तो इसमें आप जा सकते हो, Nifty 20, ये भी निपॉन कंपनी का ही बनाया हुआ ETF है, ये अपने निफ्टी के टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, अपने निफ्टी में जो टॉप के 50 कंपनियां इंडेक्स में है उनको ये ट्रैक कर रहा है, वो गिरेंगे तो ये भी गिरेगा, वो बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, और हमको पता है भैया अपने भारत का इंडेक्स है तो बढ़ना तो है ही, तो लॉन्ग टर्म में आप चाहो, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको भी चुन सकते हो, ठीक है। अच्छा, सारे एक्टिव ETF इसको जरा खोल के आपको दिखा देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में लिखना ऑल एक्टिव ETF, इतना लिख देना आप यहीं पर आ जाओगे NSE की वेबसाइट पर, लिंक कई सारे आएंगे लेकिन NSE का जो है NSE इंडिया उस पर आ जाना। इसमें देखो सर पूरी लिस्ट है ETF की, भरे पड़े ETF है, सारे के सारे ETF है, देखो ऊपर लिख के भी आ रहा है ना, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फंड ट्रेड हो रही हो एक्सचेंज पर, तो कई सारे हैं, एक लाइन से है, इनकी प्राइसिंग 197 रुपए, 91 रुपए, 90 रुपए, 9 रुपए, ये वो, लेकिन हमारे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखना है, हाँ वॉल्यूम, वो ETF बड़ा होना चाहिए। अब चूंकि ETF किसी ना किसी इंडेक्स पर को ट्रैक कर रहा है तो ETF बढ़ना ही है, ETF लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, ये समझ में आता है, लेकिन वो ETF खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए, हालांकि आपके पैसे पर रिस्क नहीं होता, SEBI के उतने नॉर्म्स रूल्स गाइडलाइंस हैं, कल को बंद भी होने वाली होगी कोई ETF की कंपनी तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, उसके लिए निश्चिंत रहो, लेकिन उस चीज में जाना ही क्यों, कोई छोटी मोटी कंपनी पकड़नी ही क्यों, अच्छी बड़ी कंपनी का फंड पकड़े ना जिसमें लोग हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहला फिल्टर वॉल्यूम का फिल्टर है, इस फिल्टर को लगा दो, इस पर क्लिक कर दो, ये नीचे से आ गया, मतलब देखो ऐसे ऐसे ETF भी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के ETF हैं, ICICI प्रू का कोई ETF है, ये कितना वॉल्यूम है देखो, 60, ये 60,000 नहीं है, ये सिर्फ 60 है, 60 ही है इसका, बड़ी बड़ी कंपनियों के वॉल्यूम देखो कितना कम 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 कम, तो ये सब तो अपने को देखना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है, मुझे जाना है बड़े वाले में। अब बड़े वाले एक और बात में जब क्लिक करूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा लार्ज टू स्मॉल, अभी स्मॉल टू लार्ज है ये, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा, अभी इसको हम उल्टा कर देते हैं, हाँ जब बड़ा किया तो देखो कितना बड़ा आ रहा है,
62,32,000, इतना बड़ा वॉल्यूम भी है। और ये कौन सी कंपनी का? निफ्टी ITTRI, मतलब इसमें आईटी कंपनियां होती हैं। ETF कई सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि तीन बोल दिया बेस्ट, तो ये तीन ही बेस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो वॉल्यूम के बेस पे। अब वॉल्यूम इतना बड़ा है या तब तो ETF में कुछ है, तब तो इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे। तो इन ETF के बारे में आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कई सारे। ठीक है, वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसमें कोई सवाल, कुछ कंसर्न हो तो बताओ। अभी मैं ऐप में दिखा दूं, खोल के दिखा दूं। ठीक है, हाँ बताओ। अच्छा, ये देखो, ये कह रहे हैं, आप लोग को नहीं समझ में आया तो इनका सवाल क्या है कि ये कह रहे हैं कोई रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, 100-150% दिया एक साल में, और 19,800 वॉल्यूम है, 19,900 वॉल्यूम है, आप ये कह रहे हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20,000 से ऊपर होना ही चाहिए। ये तो मैंने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 से ऊपर होना चाहिए। लोग तो 10,000 वाले में ट्रेड कर रहे होंगे, तभी तो है लोग ना। 500 भी कोई है उसमें भी लोग तो होंगे ही ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर द सेफर साइड, अपने को सेफ रहना है, रिस्क नहीं चाहिए, तो 20,000 वाले से ऊपर। आप 19,000 भी चुनो, 17 भी चुनो, 18 भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर। अच्छा, ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो ये भी देखना किस तरह की कंपनी है, उसके अंदर किस तरह के ETF हैं। कई बार रिटर्न ज्यादा देने वाला ETF या रिटर्न ज्यादा देने वाला इंस्ट्रूमेंट जरूर नहीं है अच्छा हो, तो आपको अंदर की कंपनी जरूर चुननी है। अंदर की कंपनी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, पक्का? ठीक है, अब मोबाइल की स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन इस पर कास्ट कर लिया है, और ये मैंने खोल लिया है एंजल 1। एंजल 1 आपने अगर डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके आप भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, पहले जब म्यूचुअल फंड सर्च करते थे कोई भी म्यूचुअल फंड, तो इस सेक्शन में जाकर के, सॉरी, यहां क्लिक करेंगे, इस सेक्शन में जाकर के हम क्लिक यहां सर्च करते थे, तब कोई भी म्यूचुअल फंड हमारे को मिलता था। अभी हम इसी स्टॉक वाले सेक्शन में आएंगे, ETF आपको स्टॉक सेक्शन में ही मिलेगा। स्टॉक सेक्शन में आइए, हम स्टॉक सेक्शन में आ गए। अब यहां सर्च पर पहला हमारा क्या था, CPSE, CPETF देखिए आ गया, NSE का, हमने इस पर क्लिक कर लिया। अब देखो सर, एक साल का रिटर्न 116%, यही हमने दिखाया था। पांच साल पे क्लिक कर लेते हैं, पांच साल का 226%, मतलब 4 गुना से ज्यादा इसने करके दिया है। वॉल्यूम देखो, 55 लाख दिख रहा है वॉल्यूम, और क्या क्या चीजें इसमें देख सकते हो आप, क्लोजिंग प्राइस वगैरह वगैरह। अच्छा, ये फंड किसका है, इनका है, 39,000 करोड़ का है, 2014 से ये फंड चल रहा है। और आप इसमें देखो, एक्सपेंस रेशियो 0.05, माय गॉड, ये तो ये अभी हमने जितना 3-4 बात करा सबसे कम था, राइट? सरकारी कंपनियों का जलवायु अलग है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना होल्डिंग्स, स्टॉक्स एंड वेटेज, इस पर हम व्यू ऑल कर लेते हैं। व्यू ऑल, NTPC 20% वेटेज है, पावर ग्रिड 19%, मतलब 19% पैसा इस कंपनी में है। ONGC 17%, कोल इंडिया 16, ये देखो कोल इंडिया है, वेल है, NHPC है, ऑयल है, NBCC है, ये सब सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो फिर पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये हो गया, एक हमने आपको दिखा दिया, दूसरा भी खोल के दिखा देता हूँ। दूसरा क्या था भैया, क्या था, जूनियर बीज 64% एक साल में दिया है, पांच साल पे क्लिक कर लो, पांच साल पे क्लिक किया तो 153%। और नीचे वॉल्यूम देखो, 1.87, वॉल्यूम जरूर देखना, कोई भी यूज कर रहे हो वॉल्यूम जरूर, वो इंपॉर्टेंट है। और 4,000 करोड़ का फंड है, निपॉन इंडिया का कंपनी का है ये। एक्सपेंस रेशियो 0.17 है, ठीक है। वेटेज वाली कंपनी आप जरूर देख लो, इस पे व्यू ऑल क्लिक करोगे तो सारी कंपनी आ गई, ट्रेंड, बेल, टाटा पावर, HAL, PFC, ये वो, ये सारी, DLF है, इंडिगो है, अच्छा इंडिगो भी है, गेल है, इसमें भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जूनियर बीज है ही निफ्टी 50 के नेक्स्ट 50 वाला, तो ये भी बड़ी कंपनियां ही है, छोटी ये भी नहीं होंगी। तीसरा आपने कौन सा लिया था, ऑटोबीज, ऑटोबीज को भी खोल के देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। कुल मिला के बात ये है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आप इंडिविजुअली डालो पैसा, उससे अच्छा कि ETF में डाल दो, सारी कंपनियों में आपका पैसा चला गया। 68% एक साल में, और पांच साल में
क्लिक हो जाओ, ये 5 साल में क्लिक नहीं हो रहा। खैर मारो गोली इसको। 1 लाख का वॉल्यूम है, निपॉन का ही फंड है, 140 करोड़ का है ये, 0.22 एक्सपेंस रेशियो है। ये थोड़ा ज्यादा है क्या? ज्यादा है नहीं, ठीक है। कंपनी हालांकि देख सकते हो वी ऑल, अच्छा यहाँ करना होगा। कंपनी M&M है ये भैया, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, एशर मोटर, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर, भारत टाटा, ये वो MRF, मतलब सारे गाड़ियों वाली कंपनी है इसमें। तो आप अगर किसी एक दो गाड़ी वाली कंपनी चुनने में कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी वाली कंपनी में करें, तो ETF में कर लो, सारी गाड़ी वाली कंपनी में चली गई, ठीक है। एक और हमने बात करी थी किसकी, मॉन 100 और निफ्टी 20, उसका भी दिखाई देता हूं। मॉन 100, हाँ 31% एक साल का है और 5 साल का है 200%। वॉल्यूम देखो 4 लाख का वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम हमने कितना बोला था 20,000 से ऊपर होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है, 7,000 करोड़ का फंड है ये, और 0.58 एक्सपेंस रेशियो है, ज्यादा है। खैर और इसमें हमने क्या बोला था, अच्छा इसमें कोई कंपनी देखो है नहीं, कोई देख रहे हो कंपनी नहीं है क्योंकि एक्सचेंज को ट्रैक कर रहा है। उसके बाद हमने बोला था निफ्टी 20, कुछ ना समझ आए तो निफ्टी 20 में चले जाओ क्योंकि भारत की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 24% दिया है एक साल में और 5 साल में दिया है 103%, मतलब 5 साल में पैसे इसने भी डबल किए हैं। वॉल्यूम इसका भी 39 लाख है और 24,000 करोड़ का फंड है इनके पास, ये भी निपॉन का है, और एक्सपेंस रेशियो 0.04, ये तो सबसे कम हो गया ना, ये सबसे कम है, ठीक है। अच्छा इन पे कंपनियां भी देख लो, आप व्यू ऑल कर लो, SDFC है, रिलायंस है, ICICI है, इन्फी है, इन्फोसिस मतलब L&T है, TCS है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। टॉप की 50 कंपनियों की बात ही हम कर रहे हैं तो वो टॉप की 50 कंपनियां इसमें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने आज कंपैरिजन आपको बताया, म्यूचुअल फंड में SIP करना है या ETF में SIP करना है, ज़्यादा फायदा कहाँ हो सकता है, ये पूरा कंक्लूजन आपको दे दिया हमने। कुछ सवाल अगर बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए।